गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस के बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं बहुत सारे वाउ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूँ एंड मुझे लगा आप लोगों के साथ उनके जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो मैं शेयर करूंगी। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप सबको ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा हेल्प होगी क्योंकि एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड कौन सा प्रोडक्ट ओके टाइप्स है। सो अगर आपको प्रोडक्ट्स के लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूँ, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हेल्प होगी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। सो फर्स्ट आई एम शेयरिंग दिस वाउ स्किन साइंस एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये ग्रीन टी एंटी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। इसके ऊपर भी जो भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करूंगी सबके ऊपर मैंने इंडिविजुअली रिव्यू शेयर किया है डिटेल वीडियो में, तो वो वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड। तो ये है उसका शैम्पू एंड आई ऑल्सो हैव द कंडीशनर विद इट। सो दिस इज द कंडीशनर एंड दिस इज द शैम्पू। तो ये पूरा टी ट्री एंड ग्रीन टी रेंज है शैम्पू एंड कंडीशनर का। तो अगर आपकी स्कैल्प बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ प्रॉन है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जो कि विंटर सीजन में हम सबको होता है, देन दिस इज वेरी गुड शैम्पू क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए काफी अच्छे से वर्क करता है। ऑल्सो अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा इचीनेस है तो भी आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन टी एंड टी ट्री है विच इज रियली गुड, तो वो इचीनेस को दूर भी करता है। सो इस प्रॉब्लम्स के लिए आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आई विल शेयर द कंडीशनर। ये है कोकोनट कंडीशनर और ये कंडीशनर काफी ज्यादा यू नो बेस्ट सेलर्स में से एक है और ये कंडीशनर मुझे काफी पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाता है हेयर को एंड शाइनी भी बनाता है। तो अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई है, फ्रीजी है और आप एक बाउंस चाहते हैं, एक शाइन चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन क्योंकि ये बहुत ही नरिशिंग कंडीशनर है। मुझे ये कंडीशनर बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज द न्यू लॉन्च विच इज हिमालयन रोज हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में रिव्यू शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट्स ऑफ प्योर रोज, तो मुझे रोज काफी पसंद है एंड मुझे फ्रेग्रेंस इसका बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट जो कंडीशनर है स्पेशली कंडीशनर का फ्रेग्रेंस ना हेयर पर रह जाता है, सो एक रोजी सा फ्रेग्रेंस होता है। सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ गर्लिश टाइप, बट ऑब्वियसली इफ यू आर कंफर्टेबल, आप अगर कंफर्टेबल है देन डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ शैम्पू एंड कंडीशनर में प्योर रोज का फ्रेग्रेंस है एंड ये बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। कंडीशनर्स आर रियली गुड, वाउ स्किन साइंस के सारे कंडीशनर्स ही हेयर मास्क काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड ये शैम्पू अगर आपके हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई है देन डेफिनेटली ये शैम्पू आपके लिए अच्छा मतलब अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट आई विल शेयर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वाउ स्किन साइंस जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो है ये वाला कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये है वाउ लाइफ साइंस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये बहुत अच्छा कोकोनट ऑयल है, एकदम प्योर फॉर्म में है, स्टिल कोल्ड प्रेस्ड है, दैट्स व्हाई ये जमता भी नहीं है एंड बहुत अच्छा है ये। तो आप इसे थोड़ा सा वार्म करके फिर अपने स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं। ये कोकोनट ऑयल यू नो बहुत ही इफेक्टिव है, हेयर को बहुत सॉफ्ट भी बनाता है हेयर लेंथ पर अप्लाई करने से एंड स्कैल्प पर डेली बेसिस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो हेयर फॉल को भी ये रोकता है। वाउ स्किन साइंस अनियन ब्लैक सीड रेंज के बारे में आप सबको पता है कि उनके बहुत फेमस रेंज है वो एंड पर्सनली मुझे उनके जो अनियन हेयर ऑयल है वो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ये पैकेजिंग मुझे काफी अच्छा एंड यूजर फ्रेंडली लगता है और ये सिर्फ आप अपने स्कैल्प पर ब्रश करेंगे एंड उससे ही ऑयल एप्लीकेशन हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इस ऑयल को भी वार्म करके अप्लाई कर सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट होता है स्कैल्प पर। और इसका जो बड़ा है वो भी मेरे पास है, इसका फुल रेंज मेरे पास है तो मेरा पूरा खत्म हो गया है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट शो यू ऑल, बट दिस रेंज इज रियली गुड। इसका शैम्पू, इसका कंडीशनर, स्पेशली द हेयर ऑयल, जो भी पैकेजिंग में आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम भी मेरे पास है और ये सीरम भी काफी अच्छा है। सीरम आप सबको पता है कैसे अप्लाई करना है, अपने सिर्फ बालों के लेंथ पर आप अप्लाई करें आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशनर एंड शैम्पू, तो ये सीरम भी काफी नरिशिंग है। तो अगर आप कुछ अच्छा सा हेयर केयर रेंज ढूंढ रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर रेंज, टोटली वर्थ इट।
नेक्स्ट आई विल शेयर बॉडी बटर्स फ्रॉम वाओ स्किन साइंस. मेरे पास काफी सारे बॉडी बटर्स है वाओ स्किन साइंस के, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंगो बॉडी बटर टू हिमालयन रोज, देन ऑलिव बॉडी बटर एंड नरगिस बॉडी बटर. ऑलरेडी मैंने वीडियोज भी शेयर की है एंड विंटर सीजन में बॉडी बटर्स आर अ नेसेसिटी. तो बॉडी बटर्स में मुझे जो बेस्ट बॉडी बटर लगा वो है ये हिमालयन रोज बॉडी बटर. और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो प्योर रोज का फ्रेग्रेंस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है, आप कोई माइल्ड सा फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑलिव वन, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग है, माइल्ड है, येट ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बस एप्लीकेशन के बाद इसका जो फ्रेग्रेंस है वो चला जाता है. सो दैट्स ग्रेट. अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन. और अगर आप फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस चाहते हैं जो थोड़ा सा माइल्ड हो, सूदिंग हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस नरगिस बॉडी बटर. पर्सनली भी मुझे इसका फ्रेग्रेंस काफी पसंद है एंड ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटिंग मुझे फील होता है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है. और बॉडी बटर इनके उतना ज्यादा ऑयली नहीं करता स्किन को, विच इज द बेस्ट पार्ट. ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया है, आप चाहते हैं तो उन वीडियोज को चेक भी कर सकते हैं. नाउ वाओ स्किन साइंस के कुछ क्रीम्स भी मैंने ट्राई किए हैं, कुछ नहीं बहुत ही क्रीम्स, लेकिन बहुत सारे क्रीम्स खत्म हो गए हैं और बहुत सारे है मेरे पास. जैसे ये वाओ स्किन साइंस एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है. ये पूरा एम्प्टी हो चुका है इसका कंटेनर. मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए ही इस कंटेनर को सेव किया था क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टू यू नो नॉर्मल है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन. ये स्किन को पैची भी नहीं बनाता, ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस कोकोनट परफेक्टिंग क्रीम. इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ा सा कोको जैसा इसका फ्रेग्रेंस है. सो आई थिंक अगर आपको चॉकलेटी सा पसंद है देन यू कैन ट्राई दिस वन. येट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, स्किन एप्लीकेशन के कुछ देर बाद इसका फ्रेग्रेंस चला जाता है. सो इट वोंट इरिटेट यू एज वेल. और ये भी काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग भी है. सो विंटर सीजन के लिए यू कैन गो फॉर दिस वन, समर सीजन के लिए यू कैन गो फॉर दिस एलोवेरा वन. नेक्स्ट आई हैव दिस विटामिन सी फेस क्रीम, जो कि आप हर सीजन में अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आपके फेस पर बहुत ही ज्यादा यू नो पिंपल्स एंड ऑल है और आपको लेमन एंड सिट्रस बेस्ड कुछ सूट नहीं करता, देन डोंट यूज दिस वन. हालांकि मुझे लेमन सूट नहीं करता, स्टिल आई हैव यूज्ड दिस और ये आधा खत्म हो चुका है. स्टिल मेरे फेस पर कोई ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है. सो आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे वो वाओ स्किन साइंस की हो या किसी भी ब्रांड का हो, आप पहले पैच टेस्ट जरूर करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस मास्क, विच इज द बेस्ट थिंग आई विल से, क्योंकि फेस मास्क इन अ रेडीमेड फॉर्म वो बहुत ही ज्यादा हैंडी एंड यूजर फ्रेंडली होता है. सो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ वाओ स्किन साइंस फेस मास्क, लेकिन मेरे खत्म हो चुके हैं. जैसे उपटन फेस मास्क, चारकोल फेस मास्क, ग्रीन टी फेस मास्क, ये सब मेरे पूरा एम्प्टी हो चुका है. और मेरे पास अभी जो है वो है वाओ स्किन साइंस विटामिन सी क्ले फेस मास्क. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस और मैंने काफी ज्यादा इसके इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. ये स्किन को एकदम ब्राइटन कर देता है, इंस्टेंट एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, कोई व्हाइटनिंग इफेक्ट नहीं है. ये अंदर से ही स्किन को बहुत क्लीन करता है, ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली ऑल स्किन टाइप पीपल कैन यूज दिस. और नेक्स्ट है ये वाओ स्किन साइंस सांग्रिया क्ले फेस मास्क, ये भी काफी अच्छा है. सारे फेस मास्क के साथ आपको एक ब्रश मिलता है, विच इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि एप्लीकेटर से अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है, हैसल फ्री होता है. और नेक्स्ट आई हैव दिस, जो कि ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने ही वाला है, यू कैन से ओनली दिस मच इज लेफ्ट. और ये है वाओ स्किन साइंस फूजी माचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस मास्क में से एक है. पहला वाला मेरा उपटन है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि उपटन जो फुल रेंज है वो बहुत अच्छा है. मैं आप सभी को रेकमेंड भी कर सकती हूँ क्योंकि वो रेंज काफी अच्छा है, स्किन को इरिटेट भी नहीं करता, कुछ इरिटेशन या कुछ ब्रेकआउट्स तो मैंने फेस नहीं की है. सो ये भी काफी अच्छा है. अगर आपकी स्किन में पिंपल्स एंड ऑल है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन. ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. वीडियो हेल्पफुल होने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और इनमें से कौन से प्रोडक्ट के आपके क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.